आबा लाइफ स्टाइल एंड मैं हूँ आबा और आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। आज है सैटरडे एंड टाइम इज 9:20, डेट 11 जुलाई। तो टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है मॉर्निंग की बाहर, क्योंकि हो रहा है बहुत ही अच्छा वाला वेदर एंड टाइम हो गया है मेरे ब्रेकफास्ट का। आज मॉर्निंग से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर ली, लाइक मेरी वॉकिंग हो चुकी है, मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, मेरी बैडिंग हो चुकी है और समाउ थोड़ा सा कुछ किचन का भी मैंने निपटा दिया है। सो आज इतना सारा काम कर लिया है, तो नाउ इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट एंड मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट सैंडविचेस एंड चाय। सो So now I am done my house cleaning and all and I am going to take bath. उससे पहले आप देख रहे हो मेरे फेस में ये जो पिंपल हुआ था ऑलमोस्ट ये चला गया है। मैं जब पिंपल एक्टिव होता है तो बिल्कुल भी स्क्रब करना पसंद नहीं करती हूँ, इवन मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ मेरे फेस में, कोई क्रीम नहीं, कोई भी केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, मेकअप नहीं, कुछ नहीं, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं स्क्रब करके जस्ट आई हूँ अपने फेस में। तो स्क्रब भी स्पेशली मैं करती हूँ जब मेरा पिंपल ऑलरेडी चला गया होता है, ऑलरेडी आप देख रहे हो पूरा सिर्फ इसका मार्क रह गया है छोटा सा। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ ममा अर्थ का C3 फेस मास्क। आई नो आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा फेस मास्क, आजकल पता नहीं मैं आधे 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 वर्ड्स बोलना सीख गई हूँ ना, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है जब मैं कैमरे के सामने खड़ी हो जाती हूँ। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ C3 फेस मास्क विथ चारकोल कॉफी एंड क्ले। गाइज रियली इट्स वेरी इफेक्टिव, आपके फेस में इंस्टेंट ग्लो भी देता है और अगर आपके पिंपल्स वगैरह हैं उसके जो भी बाद के जो मार्क्स रह जाते हैं उन्हें फेड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पैराबिन फ्री है एंड ग्लोइंग स्किन। तो चलो इसको मैं क्विकली अप्लाई करती हूँ, देन इसके बाद मैं 10 मिनट्स वेट करूँगी, 10 to 15 मिनट्स। इसे मैं ब्रश से भी अप्लाई करती हूँ बट अभी क्विकली, मेरे पास और कुछ टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसको लगाती हूँ फटाफट अपने पूरे फेस में। और ये जो है आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो भी आता है इसको अप्लाई करने से। और ये देखो गाइस ऑलमोस्ट इसे मैंने फिनिश कर दिया, इतना थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स मैं स्पेशली आजकल यूज़ कर रही हूँ, फेस मास्क, फेस वॉश, फेस क्रीम, फेस सीरम, एवरीथिंग इज ममा अर्थ। आई लव ममा अर्थ। After bathing, I am done my puja and meditation. आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के मुझे, काफ़ी सारे नहीं थोड़े लोगों को, क्योंकि बहुत ही थोड़े लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनमें से मैसेजेस आते हैं मुझे कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कौन सा योगा करते हो, कौन सी पूजा करते हो। तो पूजा के मामले में नो कमेंट्स, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, जो जिसे जैसे मानता है वो फॉलो कर सकता है एंड पूजा कर सकता है। बट हाँ मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, तो मॉर्निंग में आजकल मेरा एक्चुअली चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो पहले मैं ऑनलाइन काफ़ी
सारे ऐसे सेशन अटेंड करती थी जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे मेरे लिए. स्पेशली आपको पता होता है कि आपके किस एरिए को वर्कआउट की ज़रूरत है, लाइक आपके आर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, आपका चिक एरिया बहुत ज़्यादा है, और आपका चिन लटकने लग गया है, लाइक आपका टमी बहुत ज़्यादा हो गया है, थाइस बहुत हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो. सो मैं काफ़ी सारे सेशन करती थी, बट राइट नाउ मैं यूज़ करती हूँ क्योर फिट. एक ऐप है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका सिंबल भी कि कोई कंफ्यूजन ना हो. क्यों? ओके, तो ये आप देख पा रहे होगे इस तरह का फोकस, ये वाला जो है इसमें, ये एक ऐप है, ये इस तरह से ओपन होता है. ये ऑनलाइन इसमें सारे सेशन है, लाइक इसमें आपका जुम्बा क्लासेस भी हैं एंड अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज हैं, वार्म अप हैं. इसमें काफ़ी सारे सेशन हैं, लाइक सेशन 1, 2, 3, इस तरह से बैली बर्न, वेट लॉस, स्ट्रेंथ, योगा फॉर बिगनर, गेट लर्न, बिगनर्स गेट स्ट्रांग आर्म्स चेस्ट एंड बैक, एब्स बट्स एंड पिन फॉर योगा फ्लैक्सीबिलिटी, लर्न टू एक्सरसाइज, गेट योर फुल स्प्लिट सिक्स पैक्स एब्स, योगा फॉर वेट लॉस, कल्ट जर्नी. तो इस तरह से आप मूव वेल एवरी डे मॉर्निंग. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सेशन इस तरह से हैं. आप इनमें से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए परफेक्ट है, आप उनमें से कोई भी सेशन कर सकते हो. और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पे नहीं करना होता है. ऑनलाइन मैं अपने फ़ोन से टीवी में कनेक्ट करती हूँ, देन यहाँ पे करती हूँ. स्पेशली मुझे जुम्बा करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो टाइम मैं थोड़ा सा बैंगलोर में थी तो वहाँ पे मैंने उनके फ्री सेशन होते हैं बिफोर पेमेंट, वो आपको एक क्लासेस दो क्लासेस लाइक ऐसे प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उसमें गई थी और मुझे बहुत ही मज़ा आया था. उसके बाद बैड लक कि लॉकडाउन शुरू हो गया और हम पेमेंट भी नहीं कर पाए. ये अच्छा हुआ कि पेमेंट नहीं कर पाए और वो मेरी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद मैं ये घर में ही करती हूँ. एंड सेकंड, मेडिटेशन. तो मेडिटेशन मैं ऑनलाइन पहले काफ़ी सारे मैंने इससे अटेंड किए हैं, तो इतना ज़्यादा मेडिटेशन लाइक कि मेरा ध्यान नहीं लग पाता था, मैं प्रॉपर जैसे होता है वो नहीं कर पाती थी, बट अभी मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसके भी सेशन लिए हैं. तो मैंने एक कोयम्बटूर में है सदगुरु का, सब कोई जानते होंगे उनका आश्रम, वहाँ पे इनर इंजीनियर है वो, उन वहाँ पे जाके मैंने वो पर्टिकुलर नहीं किया लेकिन एक छोटा सा सेशन किया था. इट वॉज अमेजिंग, मुझे उसको करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. उनके जो योगा स्टेप्स हैं वो बहुत टफ होते हैं भाई, वहाँ पे जो करते हैं ना लोग उनके आश्रम में, तो उनको देख के ही लग रहा था. तो वो मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, थोड़े टाइम तक उनको देखा है, बट उनको सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड सेकंड, मैं अभी जो करती हूँ करंट में, तो आर्ट ऑफ लिविंग का है और उसका नाम है हैप्पीनेस कोर्स. तो ये मैंने कोर्स किया हुआ है प्रॉपर टाइप. एंड इसके बाद स्टार्टिंग में मैं इतना नहीं करती थी, कभी कर लिया कभी गैप कर दिया, बट 24 आवर्स में अगर आपको 35-40 मिनट्स अपने आप को देना है पूरा दिन एनर्जेटिक बनाने के लिए, जी फ्रेश फील होने के लिए, माइंड पीस रहने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, और ये जो स्पेशली टाइम चल रहा है तो इसमें, तो मुझे लगता है हर किसी को मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी आपको लाइव करता है वो करना चाहिए. तो मैं अभी राइट नाउ ये वाला करती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का है हैप्पीनेस कोर्स. तो ये मैं करती हूँ 35 मिनट्स इन अ डे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखता है और पॉजिटिव भी रखता है. तो ये तो हो गया आज का मेरा योगा और मेडिटेशन, मैं कैसे करती हूँ योगा एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज. स्पेशली सूर्य नमस्कार अगर आप करते हो तो इट्स रियली वर्थ, क्योंकि वो जो एक ऐसी एक्सरसाइज है, आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है, फुल वार्म अप होता है. एंड इसके मैं 10-12 अगर स्टेप कर लेती हूँ तो आई थिंक मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक मुझे एक्सरसाइज की भी नहीं होती है, वॉकिंग की भी नहीं होती है. सो गाइज, ये था मेरा ये वाला शेड्यूल. एंड अभी मुझे लग रही है बहुत ही जोरों वाली भूख और टाइम हो गया है 2:10 और खाना ऑलरेडी रेडी बना हुआ रखा है. तो चलो देखते हैं क्या क्या है मेरे किचन में, और मैं करती हूँ अपना लंच, देन उसके बाद मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है. एंड आज मुझे अपना क्लॉथिंग वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा सेग्रीगेट करना है, कुछ मैसी है. सो हेयर इज चपाती, बैगन आलू की सब्जी, एंड ये है खिचड़ी. पैलेट, रायता. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा.
और एक क्लिप मिस कर दी मैंने क्योंकि मेरा घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मैंने राइट अवे बेसन ऐड कर दिया। तो अगर नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास है बट मुझे मिल नहीं रही है, मैंने खा रख दिया, आई थिंक बेड बॉक्स में है कहीं। आप मोस्टली ये वाली कढ़ाई देखते हो जो बहुत ही रफ यूज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ और मुझसे क्लीन भी नहीं होती, बट इट्स ओके। तो अभी मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, अच्छे से मतलब थोड़ा स्मेल आने लग जाए तब तक। एंड इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी सूजी, तो इसमें मैं एक चम्मच अराउंड सूजी ऐड कर रही हूँ, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। एंड इन दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। अभी मैंने डाल दिया है इसमें इलायची, चार इलायची अच्छे से पीस के, और इसे मिक्स कर दूँगी। मेरी जो बेसन है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी शुगर, और इस तरह से मैंने पाउडर फॉर्म में मिक्सी में डाल के पीस के रखी हुई है, मतलब ऑलरेडी मैं इसको इस तरह से रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं इसे ऐड कर दूँगी शुगर एंड मिक्स वेल, पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बनने के बाद थोड़ा सा घी में और डाल दूंगी और ऐसे अभी से मिक्स कर लूँगी। अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स, तो मैं काजू डालूंगी, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है उसमें ऐड करके, ये है वो कवर जो मैं आज ऑर्गेनाइज करने वाली थी, ऑलमोस्ट मैंने कर ली है। आप मोस्टली मुझे देखते हुए यहाँ पे आते जाते कुछ काम करते हुए, क्योंकि ये है मेरा कवर, तो मैंने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से काफी हद तक ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो एक लुक तो बनता है आपके लिए, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या किया है प्रॉपर। अभी मैं इसे ये नहीं बोल सकती कि ये फाइनल टचअप हो गया ऐसा, लेकिन हाँ काफी हद तक मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है, एटलीस्ट मेरी चीजें मिलने लग जाएंगी अभी। तो मैं और टाइम कितना हो रहा है अभी, एक सेकेंड, यस, तो मैं चश्मा भी ला के आई हूँ, मुझे थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रही है आईज में। ओके, तो मैं टाइम दिखाई थी आपको जो कि हो रहा है 7:33। तो ऑलमोस्ट शाम हो गई है, बाहर भी आप देख पा रहे हो, तो आज दिन में तो अच्छा वाला वेदर था ही। और हाँ, अब मैं आपको दिखाने वाली थी, फोकस नहीं करता है यार जल्दी, फोकस फोकस फोकस, यस। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर का सेक्शन है जो कि कुछ इस तरह से है। अगर आप बैक में देखोगे तो मैंने यहाँ पे हैंड बैग्स रखे हुए सारे, मतलब बैकग्राउंड में तीन या चार हैंड बैग्स हैं, उसमें बीच में ये मेरे सारे वन पीस है जो कि अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, उसने मैंने बैठ रख दिए, और जो यूज़ में नहीं आती है ड्रेसेस वो पॉलिथीन में डाल के पीछे। यहाँ पे मैंने रखी है अपनी सारी बॉटम जीन्स पैंट जो मैं डेली वेयर में या कभी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसे वही कपड़े मैंने यहाँ पे रखे। एंड ये है मेरे सारे प्लाजो पजामाज एंड लेगिंग्स काइंड, तो ये इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। ये फुल ऑर्गेनाइज नहीं बोल सकते उसे, जो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ अरेंज किया है। एंड यहाँ पे ये वाला हैंड बैग मैं मोस्टली ले देती हूँ, तो ये लिया, और ये कैनवास है जो मुझे कुछ बनाना है काफी टाइम से, बस सोच रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरे सारे बेल्ट्स मैंने साइड में टांग के रखे हैं, ये सारे दुपट्टे उपट्टे जो सलवार के ऊपर लेते हैं जो कि मैं कभी नहीं लेती हूँ, बाथरूम मैंने अभी रैंडमली डाल के रख दिया क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं मिली। एक हैंड टॉवल जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, एंड ये मेरा नेक पिलो, तो मैं इसको अभी रूम में रखने वाली हूँ। एंड नीचे आ जाते हैं, तो गाइज ये है, मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है, अभी मेरे पास जो इसके नीचे का कवर है वो ऑर्डर भी नहीं हो रहा है और मेरे पास है भी नहीं, तो टेम्प्रेरी। और ये नीचे का जो ड्रॉ है इसमें मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें भी ऐसी रखी हैं। तो ये है मेरे सारे शॉर्ट्स यानी कि जीन्स के जो हॉट पैंट्स लाइक स्कर्ट्स, तो ये इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। इसके जस्ट पीछे हैं टॉप सारे, ये दो रो मेरे टॉप की है, एक ये और एक ये पीछे, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके रखना पड़ा, कवर छोटा पड़ रहा था। और ये वो वाले ड्रेसेस हैं कुर्ते जो मैं मोस्टली वेयर कर सकती हूँ कैजुअल, हैवी मैंने सारे बेड बॉक्स में डाल रखे हैं अभी, तो ये सारे वो कुर्ते हैं। एंड यहाँ पे मैंने रखे हैं स्टॉल जो रैंडमली बाहर जाने के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ, सिंपली ये सारे स्टॉल का कलेक्शन है। एंड सबसे नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं, तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, थोड़ा अंधेरा भी है, तो ये मैंने डेली वेयर की मेरे क्लॉथ्स हैं, बीच में सारे टॉप बॉटम्स और कुछ वन पीसेज लाइक, और इसमें यूज़ ही सारे क्योंकि अभी इनके लिए मुझे कोई स्पेस प्रॉपर नहीं दी, तो मैंने रैपर में डाल के इनको रख दिए, मुझे फिनिश करना था। सो ये वाला सेक्शन होता है फिनिश, और दिखाने में इतना कम टाइम लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ मेरा इसमें। एंड सबसे ऊपर वाले सेक्शन को अवॉइड करवा मैंने, जस्ट जो मुझे चीज़ ऐसी दिखी मैं ऊपर डालती गई वो भी। सेकंड में मैंने इसमें रखा है सारा अपने मेकअप पैलेट्स वगैरह है कुछ, वो सिंपली एक क्लच यहाँ पे रखा है, ये सारे डिओड्रेंट मैं डेली में यूज़ करती हूँ, मैं डिओ की बहुत बड़ी लवर हूँ। एंड इसमें है मेरी सारी लिपस्टिक्स का कलेक्शन, एंड बिंदी के कुछ पत्ते, और पीछे भी कुछ कुछ चीज़ें हैं इसके नीचे। एंड यहाँ पे है मेरा डेली वेयर यूज़ करने की चीज़ें लाइक टोनर हो गया, फेस क्रीम हो गई, तो ये मैंने नाइट क्रीम्स हो गई,
तो सारे सीरम जो भी मैं सीरम रैंडमली अपने स्किन के अकॉर्डिंग अप्लाई करती हूँ, ये सारे सीरम मैंने अरेंज किए हैं। तम लिप बाम्स, बैक में डियोस बिकॉज आई एम लवर, तो ये सारे डियो हेयर स्प्रे ऑयलिंग जस्ट लाइक दैट। तो ये वाला सेक्शन एंड इसके जस्ट नीचे आते हैं, ओ माय गॉड गर्मी। तो ये मैंने कुछ कुछ इयरिंग्स हैं जो मैं रैंडमली चेंज करके पहनती हूँ। ये सारी फेस शीट मास्क है, ये तो आपको पता है मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। देन पिछले सेक्शन में ये सारे इयरिंग्स के बॉक्सेस हैं जो पैक हो गए थे, मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। ये वो सारे बॉक्सेस हैं, सारी इयरिंग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साइड में सारे पैलेट्स हैं, एक कॉम एंड हेयर बैंड्स, यहाँ पे स्टिक वाली जो भी लिपस्टिक एंड सीजर एंड आई कलर, एक छोटू सा मिरर एंड सबसे नीचे कुछ मेडिसिनल चीज़ें हैं, मेरे कलर हैं, बॉक्सेस हैं। और अगर आपको लगा होगा कि वो मैंने सबसे ऊपर से रखा है क्योंकि मैं कलर से वीडियो में शो कर रही थी, तो इसके लिए मुझे वहाँ पे रखना पड़ा। ओह माय गॉड इतना पकड़। सो गाइस ये था कुछ फाइनल, और ये जो चीज़ें हैं इनको इनकी जगह ही नहीं बनी अभी तक, तो मैं ये वाला डेली मोस्टली मैं बैग यूज करती हूँ, इसको भी करना है। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो इस बेड में भी थोड़ी सी फैली हुई हैं, तो ये सारा करना है। एंड एक न्यूज़ है जो मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी सोच रही थी कि शेयर करूँ या ना करूँ, एंड अभी भी मेरे दिमाग में है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो वाई नॉट शेयर तो करना बनता है। बट आप इसे अदरवाइज मत लेना। मेरा है ना थोड़े दिन पहले एक फ़ोन चोरी हो गया, लाइक आप बोल सकते हो फोन चोरी हो गया। सम कंडीशंस, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं आपके सामने कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं चलो मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पास था फोन था 1+8 जो कि मैंने लास्ट 16 मंथ ही न्यू परचेस किया था, एंड वो फोन मेरा चोरी हो गया है। थोड़ा टाइम हुआ अभी, ऑलमोस्ट वीक भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से मैं 2-3 दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फोन आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ थी, लाइक जरूरी क्या, फोन जैसी चीज़ अगर घूम जाए उसमें, फोन तो ठीक है उसमें इतनी सारी चीज़ें थी जैसे लाइक मेरी फोटोज हो गई, मेरे वीडियोज शूटेड थे इसमें, कुछ कुछ मैं प्री प्लान रहता है, ऐसा नहीं कि जो मैं आज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ वो मैंने बिल्कुल राइट अवे कल ही शूट करके डाला है। मे बी वो कभी कभी हो सकता है, बहुत सारी क्लिप्स होती हैं यहाँ वहाँ की, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ कि वो थोड़ा लुकवाइज भी अच्छा लगे और आपको देखने में मजा आए। तो इस तरह से मेरे वीडियोज होते हैं, तो मेरे फोन बहुत अच्छा कैमरा था, लाइक कैमरे की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ वो फोन परचेस किया था। एंड वो परचेस भी नहीं किया था, वो गिफ्टेड था मेरे लिए, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा ऊपर हो गई, मतलब यहाँ नहीं यहाँ हो गई, कि अगर आप पैसे से भी उसका कंपैरिजन करो ना तो वो भी बहुत कम है। तो एक तो वो चीज़ चली गई, और उसके बाद अभी मैं नया फोन लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, बिकॉज ऐसा मेरे साथ पर सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं मास्टर्स में थी तो मेरा एक फोन घूम गया था, एंड अभी ये घूम गया है। तो कैसे घुमा, तो रात को मैं यहाँ से कुछ काम था, अर्जेंट था, मुझे नीचे जाना पड़ा बाहर, और जस्ट मेरा फोन आया, मैंने फोन निकाला और बस कान में लगाने को हो रही थी, और बाइक से मेरा फोन लेके निकल गया। 3-4 लोग थे बाइक से, मेरे हस्बैंड भी थे, थोड़ी दूर तक वो गए थे। देन फिर रात का टाइम था, मैं भी डर गई कि पता नहीं क्या होगा, फोन भी गया है, तो हमने जान लिया। और कुछ गलती मेरी भी थी, मुझे रास्ते में फोन अटेंड नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल जब जो होना होता है तब होता ही है, कोई बात नहीं, अपने आपको यही समझा रही हूँ, कोई बात नहीं चला गया तो चला गया। बट तो खैर मुझे अभी भी उस फोन के जाने का, मैं जब भी दिमाग में आता है और ध्यान तो जाता ही नहीं है मेरे फोन का, फोन जैसी चीज़, और मेरा सारा काम फोन से ही होता था मोस्टली। तो अभी मैं बैक टू नॉर्मल, जो मेरा पुराना वाला फोन था तो मैं उस पर आ गई हूँ। एक ये फोन है मेरे पास और दूसरा ये आईफोन है, तो अभी मेरे इनसे काम चल रहे हैं, नई सिम भी इशू कराई है सेम नंबर की, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होती है फिर आपको बैंक अकाउंट्स और बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो गाइस ये था कुछ छोटी सी एक न्यूज़ जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। बाय द वे वेल जो भी होता है कुछ ना कुछ रीजन हो गए आपसे, सो मेरा फोन तो जा चुका है, कोई बात नहीं, आपके लिए वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। वीडियो डाला बंद नहीं होंगे मेरे कि फोन घूम गया, तो वो फोन इकलौता फोन था, मेरे पास और भी रैंडमली फोन है, आई थिंक थोड़ा क्वालिटी वालिटी में हो जाए, कैमरा भी है मेरे पास, मे भी कभी होता है, 2-3 ऑप्शन रखती हूँ, मैं बैठी रहूँगी, कभी कुछ हो गया, बट इस पर ओके इट्स ओके होता है ऐसा। और अभी मुझे गर्मी क्योंकि फैन चला थोड़ा सा टॉयलेट कर लेना, काफ़ी देर से मैं काम कर रही हूँ, फुल स्वेट है अच्छा खासा, और ठीक है। सो चलो इस ब्लॉग को आज के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यही पर एंड, मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू वीडियो के साथ। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। वीडियो में एक लाइक दे दिया करो, जैसे कि मुझे मिलता है आपके एक लाइक से मोटिवेशन। कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको लगता है अच्छा है बुरा है, ये ऐड होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, आपके सजेशन से मेरे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, तो इतना सा काम है जरूर कर दिया करो। तो सी यू सून, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग।